Hello everyone. Today I am feeling very happy to have my student. I have Harshal Singh Sindal with me. He is my student from last year. He wrote JEE 2022, and earlier he was with Narayana Borivali and was learning physics from Vishal sir, another great teacher, excellent teacher of physics. And for last 1 year he learned physics with me. And right now he is at IIT Delhi. He is pursuing computer science at IIT Delhi. And he secured an All India rank 74. So here is Harshal for you. I am going to interview him, and you can just say hello to everybody. Hello. Yeah. So Harshal, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं. इनफैक्ट और स्पेशली कोई बच्चा अगर अच्छी रैंक अचीव करता है तो सब बच्चे जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि सीक्रेट क्या है तुम्हारा, ठीक है नहीं. तो खुद से अगर तुम प्रोएक्टिवली बताना चाहोगे कि तुमको क्या लगता है कि व्हाट आर द ट्रेट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ स्टूडेंट टू अचीव अ गुड रैंक, क्या क्या होना चाहिए स्टूडेंट में सो दैट इज एबल टू अचीव अ गुड रैंक. सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे पहले तो यही है कि हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स तो बहुत मैटर करते हैं. मतलब जे इज अ मैराथन, इट्स नॉट लाइक अ 2 डे कोई एक्सरसाइज है. मतलब आपको 2 साल तक लगातार इसमें बने रहना पड़ता है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आई से मतलब एवरी डे इज अ न्यू डे एंड यू हैव टू यू नो ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन दैट डे. एंड मतलब धीरे धीरे वो बूंद बूंद सा सागर बनता है. वो वाली बात है ऐसे कि रोज कंसिस्टेंट रहना. और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ वो है डिसिप्लिन. ये 2 साल पूरी लाइफ डिसिप्लिन तो रखनी पड़ती है. तो इन सब के मिक्सचर से एक अच्छी मतलब यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट बीइंग कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड एंड पुटिंग इन हार्ड वर्क. बिल्कुल सही बात है. डीएक्स डीएक्स करके इंटीग्रेट होके बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं. तो मैं भी इनफैक्ट लाइफ में बहुत बच्चों को देखा है मैंने. तो क्या होता है कि इस एज में कई बार बच्चों को डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है. उनको लगता है कि मैं वीडियो गेम भी खेल लूँ, सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंट रहूँ. तो ये सब इन बच्चों ने बिल्कुल नहीं किया. ये बच्चे पूरी तरह से स्टडीज के अंदर डेडिकेटेड थे और डेली बेसिस पे दे वर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा तो अच्छा एक चीज जो बच्चों को ये होता है कि टाइम को कैसे मैनेज करें. मतलब स्पेशली कई बच्चे मैंने देखा है यहाँ पे उनको नींद को लेके बहुत परेशान रहते हैं. वो कई बार रात को जग जग के पढ़ाई करते हैं और फिर अगले दिन क्लास में जाके सो जाते हैं. तो उनको क्या लगता है कि व्हाट्स योर टेक कि नींद कैसे लेनी चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए स्लीप को. जैसे नींद के लिए तो मैं भी यही फॉलो किया था कि एटलीस्ट 6-6.5 आवर मतलब तो नींद होनी चाहिए रात को. क्या इट कैन बी मतलब 1-7 या फिर 12-6 मतलब वो आपके ऊपर जैसे आप कंफर्टेबल, वरना फिर सुबह उठ के बैल फंक्शन होने लग जाता है कि फोकस नहीं हो रहा, अच्छे से मिस्टेक्स बढ़ गई. तो नींद तो नेसेसरी है अच्छे रूटीन के लिए. एंड मोर ओवर जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात है तो फिर कोई सब्जेक्ट या फिर कोई पॉइंट हो सकते हैं आपके जो वीक हो तो उनको शार्प करने में आप ज्यादा टाइम देंगे. मतलब जैसे मेरे स्टार्टिंग से थोड़ा 11th में केमिस्ट्री वीक थी तो फिर 12th में मुझे इसको इम्प्रूव करने के लिए टाइम ज्यादा देना पड़ा. तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप इट्स नीड मतलब जो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप टाइम क्लास अलॉट कर सकते हो. हर्षल पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं वो बोलते हैं कि सर आप काम इतना सारा देते हो, आप भी दे देते हो इतना सारा काम, केमिस्ट्री के टीचर भी इतना सारा काम दे देते हैं, मैथ्स के टीचर भी इतना सारा काम दे देते हैं, तो फिर सर काम भी सारा खत्म करना है, उसके बाद नींद भी पूरी लेनी है, ये हो कैसे सकता है? तो करें क्या? ये उनका धर्म संकट है. ये सर आइए तो हमारे साथ भी हुआ था. मतलब काफी टीचर्स काम दे देते हैं पर फिर वो खत्म नहीं होता. पर फिर मतलब यू कैन अपना जो वीक सब्जेक्ट है उसको पहले खत्म करने की कोशिश करो एंड देन फिर फर्दर बाकी काम भी. मतलब अगर मेरे ख्याल से कि जब डिटर्मिनेशन के साथ काम करो तो फिर मोस्टली हो सकता है एक दिन में नहीं पर फिर 2 दिन में खत्म हो जाए. जैसे क्योंकि जैसे हमारे यहाँ तो सर जैसे वीकली काम एक साथ दे देते थे तो हमारे पास टारगेट होता है कि वीक एंड में करना है तो वो कभी भी करो हमें मतलब बस काम हो जाना चाहिए. वीक एंड तक वो काम जमा हो जाता था सही है. उसके अलावा एक चीज जैसे मेरे को जो लगता है ना कि थोड़ा प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है. इनफैक्ट ये बात सही है, हर बच्चे की स्पीड बराबर नहीं होती. कुछ बच्चे ज्यादा तेजी से सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो होते हैं सॉल्वर्स. तो कोई टेंशन, सबसे पहली बात तो टेंशन लेने का बहुत फायदा नहीं है. इनफैक्ट काम ही करना है, टेंशन नहीं लेनी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या कर सकते हो? मैं क्या बोलता हूँ, जैसे कोई बच्चे होते हैं तो बोलते हैं कि सर क्या करें इतना सारा काम है तो क्या करें. फिर अगर कम टाइम है तो ऑड नंबर प्रॉब्लम्स कर लो, और कम है तो प्राइम नंबर कर लो, और कम है तो जिसमें फोटो बनी हुई है, जिसमें फिगर बनी हुई है वाले प्रॉब्लम्स कर लो, है ना.
इन जनरल मतलब ठीक है, फिगरेटिवली इस तरह की बात है, बाकी टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं, टीचर आपको बोल सकता है कि भाई प्रायोरिटी में किस चीज को पहले करना है, किस चीज को बाद में करना है। देखो कॉन्सेप्ट तो आपके कम प्रॉब्लम्स में भी क्लियर हो सकते हैं, बाकी तो सारी प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। अच्छा कभी प्रेशर होता था जेई के लिए, जैसे जब तैयारी करते थे तो कभी प्रेशर फील होता था कि बहुत प्रेशर है माइंड के ऊपर, बहुत टेंशन है, इस तरह की कभी फीलिंग आती थी? आती थी, मतलब जैसे मॉक टेस्ट के पहले जब खुद से भी एक्सपेक्टेशन होती थी कि अच्छी गाएंगे, अच्छा परफॉर्म करना, तब फिर प्रेशर आ जाता थोड़ा एक्सपेक्टेशंस के साथ एंड तक, मतलब जेई एडवांस के एक दिन पहले भी थोड़ा प्रेशर प्रेशराइज लगता है, ये बहुत नर्वसनेस भी होती है, पर फिर मतलब वो प्रेशर से ज्यादा वो नहीं, मतलब घबराना नहीं है, मतलब भरोसा रखना है खुद पे कि अभी आपने 2 साल मेहनत की है तो फिर एब्सोल्युटली एंड रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो फिर यू शुड बी कॉन्फिडेंट। कभी ऐसे मूड स्विंग नहीं होता था कि अरे बाप रे इतना खराब मार्क्स आ गया, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं बस सो जाता हूँ, इस तरह का होता था? कभी के नहीं होता था, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, यानी कि मार्क्स अगर खराब आते हैं टेस्ट में तो वो काफी टाइम जैसे शाम को वो दुख मनाने में बिताते हैं, तो ऐसा कभी लगा तुमको कि तुमने भी दुख मनाने में कभी टाइम वेस्ट किया हो इस तरह से? दुख मना दे मतलब 1-2 घंटा, पर फिर बाद में वो उसके ऊपर वर्क भी करना पड़ेगा, अगर रिजल्ट खराब आया तो फिर उस वीक पार्ट को इम्प्रूव करने में और ज्यादा टाइम डालना पड़ेगा, तो फिर वो इम्पोर्टेंट, मतलब बाउंस बैक करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब इस जर्नी में। बिल्कुल सही, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने देखा कई बच्चे जैसे संडे को टेस्ट होता है तो संडे शाम अक्सर दुख मनाने में जाती है बच्चों की, तो वो उसका फायदा कुछ नहीं होता, दुख मनाने का फायदा कभी कुछ नहीं होता, इनफैक्ट दुख मनाने से की जगह काम ग्राम करेंगे तो उल्टा दुख सबसाइड हो जाएगा, साइड हट जाएगा और फिर खुद भी और कॉन्फिडेंस आ जाएगी मेरे से और ज्यादा प्रॉब्लम अच्छे से होगा, वही टाइम जो दुख मनाने में वेस्ट कर रहे हो उससे अच्छा पढ़ दो तो अगला टेस्ट अच्छा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो दुख मनाना, तो इनफैक्ट दुख मनाना और गिल्ट और ये सब इमोशंस कोई फायदे के नहीं होते, इनफैक्ट ये सब नहीं रखना चाहिए। अच्छा ऑल इंडिया रैंक 74 तो मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी रैंक है, तो क्या शुरू से ही तुमको ऐसा लगता था पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छे थे, या फिर कब तुम्हारा ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाना शुरू हुआ, किस तरह से तुम्हारा रहा ये जर्नी? से स्टार्टिंग में तो इतना अच्छा नहीं था मतलब मेरा परफॉर्मेंस, स्टार्टिंग में आई वुड से मार्च से अप्रैल से लेकर नवंबर अक्टूबर तक मतलब इतना अच्छा सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, पर फिर बाद में एक बार जब पिकअप करने लगा तो फिर अपने आप जैसे कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर मतलब एक लूप टाइप बन जाता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो वो एक साइकिल बन जाती है, तो उससे ग्राफ हमेशा फिर ऊपर ही रहा। तो मतलब जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आप एस कर रहे हो हर एग्जाम, टाइम भी लग सकता है, अगर टाइम बाद आप पिकअप करो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि आपको वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी कि आप स्टार्टिंग में आपका ऐसे खराब हो गया तो मुझसे नहीं होगा, ये मतलब कभी खुद को लेट डाउन नहीं करना है खराब परफॉर्मेंस। तुमको मालूम था कि तुम्हारी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, ये कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस तो नहीं आया सच, फिर देन फिर आनी है। अच्छा ये बताओ कि जेई से पहले अगर हम बात करें तो जेई से पहले एक हफ्ता कैसा था या एक रात कैसी थी, जेई के पहले कैसा रहा होगा? जी हाँ, जेई के एक हफ्ते पहले तो बहुत मतलब प्रेशर और फिर नर्वसनेस भी होती है, बट देन फिर हमारे टीचर्स और पेरेंट्स तो साथ में रहते हैं, वो हमेशा काम डाउन करते हैं और फिर मोटिवेटेड भी रखते हैं, तो मतलब ठीक है वो पार्ट रहता है कि बहुत प्रेशराइज फील करे, पर फिर एंड में जब फ्री होने के बाद लगता है कि इतनी कोई जरूरत नहीं थी, मतलब इससे जबरदस्ती हम लोग इतना परेशान हो, इतना प्रेशर लेने की आज सच कोई जरूरत नहीं, अगर आपने मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो पॉइंट है, मतलब एग्जाम के लास्ट डे पे भी एग्जाम को जस्ट पहले आपको लगना चाहिए कि मैं क्या करूँगा एग्जाम, आपने 2 साल की मेहनत की तो फिर आपको अब जेई देने के बाद अगला दिन कैसा लगा जेई लिखने के बाद? जेई लिखने के बाद अगला दिन तो मतलब काफी रिलैक्स था, मतलब रिलैक्स भी था फिर थोड़ा वो भी था टेंशन भी था कि कल पेपर अच्छा गया कि नहीं, या थोड़ा फिर वो भी होता है, बट देन फिर अभी जो हो गया वो हो गया, तो फिर यही पेपर पे दुख मनाने का दुख होगा। सही बात है, दुख मनाने का क्या ही फायदा है, जो होना है वो होगा, लिख तो दिया वो तो सील हो गया अभी लग के अंदर, तो टेंशन लेने का कभी कोई फायदा नहीं होता है, टेंशन सीधी सी बात है अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो, टेंशन लेके क्या फायदा, और अगर सॉल्यूशन है नहीं तो फिर टेंशन लेके क्या फाड़ लोगे, तो टेंशन तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए, हमेशा यू शुड बी रिलैक्स्ड ऑलवेज, मतलब हाँ मतलब
फोकस रख के काम करना है, काम करना है, टेंशन नहीं लेनी, हमेशा यही माइंड में रखना है कि काम करते जाना है बिना टेंशन के। दुख मनाने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट गिल्ट और ये दुख मनाना ये यूजलेस इमोशन होता है जेई स्टूडेंट्स के लिए, वो होता बहुत है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। गिल्ट गिल्ट का कोई फायदा नहीं होता और दुख मनाने का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा क्या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एंगेज किया तुमने लास्ट टू ईयर्स के लिए पर्टिकुलरली बोलूंगा, तो क्या कर पाते थे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स? टू ईयर्स में तो मतलब फर्स्ट इलेवेंथ में फिर भी बोल सकते थोड़ा हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब जैसे लॉकडाउन के साथ फिर घर पे भाई के साथ गेम वेम खेला, पर फिर बाद में ट्वेल्थ में तो बिल्कुल एकदम जीरो टाइप में, मतलब मैक्स मैक्स में म्यूजिक सुनता था रात को ईट सोने से पहले एंड दैट्स इट, फिर शेड्यूल फिक्स हो गया था एक साल में। तो फिर वहाँ पीयर ग्रुप होता है तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है बातचीत करने का, थोड़ा बैलेंस हो जाता है, थोड़ा काम भी चाहिए दूसरे ही कर। अच्छा ये बताओ, हाउ वुड यू कोरिलेट कि जैसे विद इन द इंस्टीट्यूट आपकी कुछ रैंक आती थी, ऑल इंडिया रैंक आती थी और फिर फाइनली आपकी 74 रैंक आई, तो विद इन द इंस्टीट्यूट अगर हम बात करें, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपकी कितनी रही थी एस्टिमेटेड एवरेज अगर ध्यान हो तो आपको? हाँ, तो यहाँ पे जैसे एस्टिमेटेड एवरेज मेरी 15-20 रहती थी, 15-20। तो एज इट इज जो मेन इंस्टीट्यूट है वो स्केल अप हो गई इनटू 5 और 6 जो अगर आप रिनाउ इंस्टीट्यूट में, तो फिर जो आपकी अभी इंस्टीट्यूट रैंक है वही स्केल अप होने वाली है जाके, क्योंकि उतने बच्चे हर इंस्टीट्यूट से आएंगे ऑन मैरिट एवरेज, मतलब सब समवेयर बिटवीन 5 टू 10 का फैक्टर कह लें जो। हां राइट, हां नारायणा में जो भी हमारा 8 टू 5 इंटरसेप्ट्स का फैक्टर आ जाता है। हां लेकिन मैंने देखा शायद एस्टिमेटेड एवरेज में जो यहां पे हमारी रैंक का ऑर्डर था वही हमारा करीब करीब फाइनल रैंक थी, ऑलमोस्ट वैसे ऑर्डर। अच्छा, और कैंपस लाइफ कैसी चल रही है? मजा आ रहा है कैंपस में? मजा आ रहा है बस, पढ़ाई भी साथ में करनी पड़ती है वैसा तो नहीं, पर बोल सकते थोड़ा स्ट्रेस कम हो गया, मतलब जैसे यहाँ पे जेई में तो 12-12 घंटे पढ़ना ही पड़ता था, पढ़ी हो बस वहाँ पे ऐसा नहीं, मतलब अप एंड डाउन होता था स्ट्रेस का, एग्जाम के 2 दिन पहले स्ट्रेस ज्यादा होगा तो फिर बाद में कम ही होगा, तो मतलब काफी एंजॉयबल लाइफ है, स्ट्रेस मतलब दो मैनेज टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। मेरे टाइम में तो क्या होता था दिल्ली में, मैं कुमाऊं हॉस्टल में था। ओके, तो कुमाऊं हॉस्टल में मैं होता था, तो वहां पे मैं देखता था जनरली, इनफैक्ट सारी हॉस्टल का एक ही जैसा हाल होता था, बच्चे सोते थे रात के 2-3 बजे, कई बार सनराइज देख के सो रहे हैं, इस तरह का होता था, लेकिन सारी रात गप्पे मारते रहते थे कुछ कुछ, तो मतलब करने के लिए वैसे बहुत कुछ है, बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर होगा, तो फाइन आर्ट्स क्लब भी है वहाँ पे, मेरे ख्याल बहुत सारे क्लब हो गए, डिबेटिंग क्लब, 12-13 क्लब। तो मतलब अभी जो भी तुमने जेई के टाइम में तुम तैयारी में जितना भी मेहनत कर रहे हो वो सारी कसर निकाल सकते हो वहाँ पे, वहाँ पे भी जाके मेहनत करनी है, CGPA तो मेंटेन करना है, बट अदर देन दैट यू कैन एंगेज इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स, जैसे बच्चों का काफी शौक होता है ना, म्यूजिक होता है, डांस होता है, इंस्ट्रूमेंट या स्पोर्ट्स, सब कुछ रुक जाता है, रुक सा जाता है 2-3 साल के लिए, तो वहां पे जाके फिर सब कुछ हम रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा देखो, जेई की तैयारी की अगर हम बात करें तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है तुम्हारी खुद की मेहनत और एक है टीचर्स की गाइडेंस, तो तुमको क्या लगता है कि एक अच्छे टीचर का क्या रोल होता है स्टूडेंट की फाइनल रैंक के अंदर, अच्छे टीचर का क्या रोल होना चाहिए? तो जैसे टीचर्स जो हमारे यहाँ से सभी, मतलब सबसे पहले तो गाइडेंस इन द सेंस की थ्योरी, आप जो उनका टीचिंग मेथड है ऑफ मतलब जो टीचर्स का सबसे पहले टीचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मतलब टीचिंग टू द पॉइंट होता है जैसे अच्छे टीचर होते हैं उनका, एंड उनके जो जो प्रॉब्लम्स वो देते हैं, जो मतलब उनका प्रॉब्लम सेट जो बोल सकते हैं वो काफी मतलब कंसाइज होता है और फिर सब कवर हो जाता है काफी, मतलब आपने वो कर लिया तो फिर आपने वो हो गया कि जेई में कोई भी क्वेश्चन आ जाए एडवांस में वो आपसे हो ही जाएगा, तो उनका प्रॉब्लम सेट बहुत अच्छा होता है, और फिर ट्रिक्स और जो शॉर्ट वो जो होते तरीके निकालने के आंसर, जैसे शॉर्टकट्स हो गए वो भी बहुत अच्छे बताए थे सर ने, शॉर्टकट्स ही हो गया, एंड देन फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन देने के लिए भी सर बहुत हेल्प करते, जैसे जेई के पहले हो गया एंड देन फिर एडवांस के पहले हो गया, तो वो सब भी काफी मैटर करता है क्योंकि प्रेशराइज होते हैं तो फिर
मोटिवेशन से आपको अच्छा दीजिए। और टू बी स्पेसिफिक, हाउ डू यू फाइंड मी एज अ मेंटर, मेरी मेंटरशिप के लिए क्या तुमको क्या दो वर्ड्स अगर डिस्क्राइब करना चाहो कुछ इन फ्यू वर्ड्स इफ यू वांट टू डिस्क्राइब माय मेंटरशिप, हाउ वाज योर जर्नी विद मी। जैसे लास्ट ईयर में एक तो सर काफी अवेलेबल रहते थे, मतलब कभी चले जाओ ऑफिस आवर्स में सर डाउट सॉल्व करते थे, एंड देन सर के जो नोट्स थे वो काफी यूजफुल रहे, मतलब एंड तक सर ने नोट्स के अंदर ही काफी शॉर्टकट्स बना के दिए गए थे, एंड देन थियरी भी सर की बहुत वो थी, मतलब टू द पॉइंट, एंड मतलब वो पढ़ लिया तो फिर आपका जेई का वो हो गया सारा, और फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पाथफाइंडर भी सॉल्व किया था शायद हमने, पाथफाइंडर भी सर के साथ सॉल्व कर रहे हैं, पाथफाइंडर एसपी थी। हां जैसे बुक्स में जो सर ने हमें दी थी वो एक तो पाथफाइंडर थी हीरोडो, वो तो जैसे फर्स्ट फेज में करा दिया, फिर एंड में एसपी तिवारी, तो इन दोनों बुक्स से भी काफी हेल्प हुआ है इसमें। तो पर तो फिजिक्स में क्या क्या सॉल्व किया फाइनली, मतलब अगर मटेरियल की बात करें तो शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या लगाया तुमने? तो शुरू से जैसे स्टार्टिंग में फेज वन में तो मैंने हीरोडोफ सॉल्व की थी, हीरोडोफ पाथफाइंडर के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो सर देते थे वहां पे एमसीक्यूज के हो गए, बिल्ड के हो गए, चेक के हो गए, एंड देन फिर नारायणा मॉड्यूल की थी मैंने, नारायणा की, एंड देन फॉर रिवीजन, रिवीजन में एसपी तिवारी कंप्लीट, एंड देन सर की जो शीट्स, सर वही काफी अच्छे शीट्स देते थे रिसोर्सेज में से, वो शीट्स भी काफी यूजफुल थी, एंड देन पाथफाइंडर तो वापस सॉल्व के लिया मैंने, पाथफाइंडर काफी रिनाउंड वो है मटेरियल। तो अच्छा तो आई एम श्योर कि हमारे जो लोग देखेंगे वीडियो, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा अक्षय की जर्नी से। कुछ कंक्लूडिंग, कुछ मोटिवेशनल मैसेज या कुछ बोलना चाहते हो तो यू कैन जस्ट से एनीथिंग, कि वो जो जो स्पेशली आप जेई लिखने वाले हैं अभी 2023 का जेई लिखना, और फिर 2024 के एस्पिरेंट्स, उनके लिए कुछ मैसेज अगर देना चाहते हो तो यू कैन। मैसेज तो यही है कि हो सकता है कभी कभार आपके मतलब रिजल्ट डाउन आया, मेरे साथ होता था, पर फिर यही है कि उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब जनरली बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर बाद में उसी साइकिल में फंस जाते हैं कि तू नहीं होगा कुछ भी, तो डिमोटिवेट नहीं होना और फिर हमेशा मतलब नेक्स्ट टेस्ट में बाउंस बैक करने की कोशिश करने हुई है, और प्रेशराइज मत होना कि जी आगे हमने कुछ पढ़ाई की है, वही मतलब खुद को मोटिवेटेड रखो और फिर कॉन्फिडेंट रहो जी एग्जाम में, तो फिर अच्छा ही आएगा रिजल्ट कुछ बात। So that was Harshal for you. I am sure this session would have been very helpful for all of you, और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। Harshal was a very sincere student, बहुत ही quiet बैठता था, लेकिन जो काम तो बहुत करके आता था, काफी मेहनत करता था Harshal। तो इसी तरह से मेहनत करोगे तो you will also be able to convert your potential energy into kinetic energy, है ना? तो आ जाओ, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे अच्छे IITs में जाओ, IIT बॉम्बे में पढ़ो, IIT दिल्ली में पढ़ो, खड़गपुर जाओ, अच्छे अच्छे IITs में अच्छी अच्छी ब्रांच परस्यू करो। Harshal is doing CS from IIT Delhi right now. And I'm very thankful to Harshal for taking out his time, valuable time, and being with me here for this interview. Thank you very much and wish you all the best. Thanks. Bye. All the best.